जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लॉजिकल कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिकोण का मतलब क्या होता है। त्रिकोण 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 का मतलब क्या होता है, तीन कोण, तीन कोण। और मिति का मतलब क्या होता है, मिति का मतलब क्या होता है, मापन कला। अर्थात हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति का मतलब होता है कोण एवं उसके भुजा का अध्ययन करना। त्रिकोणमिति का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये क्या है कि समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज होता क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश का, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर हम इसका 90 अंश कोण ले लेते हैं। एक त्रिभुज का जो कोण भी है वो क्या है, 90 है। उसके बाद देखते हैं, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अंतर कोण होता है वो कितना, उसका सम कितना होता है, 180 होता है, 180 अंश होता है। जब इसका एक कोण 90 अंश है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 होगा। तो इस कोण को अगर हम थीटा मान लेते हैं, तो ये वाला कोण क्या होगा, थीटा 90 माइनस क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा ये वाला कोण। और आपको पता है जो ये वाली भुजा है इसको क्या कहते हैं हम, कर्ण, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। इसको क्या कहेंगे, लंब, परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं, आधार, बेस। ठीक, ये लंब है, ये कर्ण है, ये क्या है, आधार है इस समकोण त्रिभुज का। चलिए देखते हैं हम आगे, आगे क्या, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, देखिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। त्रिकोणमिति अनुपात में देखते हैं क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, ओ सॉरी कॉट थीटा, सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, आप लोग जानते होंगे लाल बटे क्या होता है, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण है। यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या देंगे, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। उसके बाद क्या होता है, ये कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। उसके बाद क्या है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टैन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, जस्ट टैन थीटा का अपोजिट लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, आधार बटे क्या आ जाएगा, लंब। उसके बाद सेक थीटा का क्या होगा, देखो सेक थीटा किसका अपोजिट हो जाएगा, कॉस थीटा का। यहाँ पर कर्ण बटे क्या आ जाएगा, आधार। कॉसेक थीटा का किसका है, कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये साइन का अपोजिट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कर्ण बटे लंब। ये है त्रिकोणमिति अनुपात कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो इससे हम थोड़ा सा कुछ फार्मूले देखते हैं। फार्मूले क्या देखेंगे, देखिए जो साइन थीटा का जो अपोजिट होता है ना, साइन थीटा का अपोजिट, एक सेकेंड, साइन थीटा का अपोजिट कितना होता है, वन अपान कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, वन अपान सेक थीटा। टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है, वन अपान कॉट थीटा। अर्थात हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए कॉसेक क्या है, डिवाइड में किस साइड अगर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो गया इंटू, उसके बाद क्या आता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे लंब। यहाँ पर क्या जाएगा, कर्ण बटे लंब बराबर एक, कर्ण से कर्ण कैंसिल, लंब से लंब कैंसिल, एक बराबर इसके आ गया एक पे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इसी प्रकार इन सबको क्या कर सकते हैं, आप प्रूव कर सकते हैं। उसी प्रकार क्या करते हैं भाई, कॉस थीटा को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको, यहाँ पर कॉस थीटा है बराबर क्या है, वन अपान सेक थीटा।
यहाँ पर sec थीटा डिवाइड में इस साइड आएगा तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos थीटा इनटू क्या हो जाएगा sec थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1। cos थीटा बराबर क्या आता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या हो जाएगा कर्ण इनटू sec थीटा बराबर क्या आता है कर्ण बटे आधार बराबर है, कर्ण से कर्ण कैंसिल आधार से आधार कैंसिल एक बराबर किसके आ गया एक, ये भी क्या हो गया प्रूफ हो गया। अगला आप ऐसे कर लीजिएगा ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आप लोग ये पढ़े होंगे फार्मूला, फार्मूला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक होता है। इस फार्मूला को आप कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, जिसके नीचे कर्ण कर्ण हो, जिसके नीचे क्या हो कर्ण कर्ण हो, यहाँ पर देखिए कर्ण है यहाँ भी क्या है कर्ण है, इन दोनों को स्क्वायर करके क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, इन दोनों को स्क्वायर करके क्या कर दिया गया जोड़ दिया गया। अब इसको प्रूफ करते हैं, चलिए इन दोनों को स्क्वायर करके हम जोड़ दिए तो देखिए क्या हमें प्राप्त होगा। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या आता है, साइन थीटा बराबर क्या आता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण हो गया इसका स्क्वायर तो हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस देखो कॉस थीटा बराबर क्या आता है आधार बटे कर्ण, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर आधार बटे कर्ण लेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखते लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, जब इसका देखो हर समान होता है अंश क्या आता है जुड़ जाता है, यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर ठीक है। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ठीक है। यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर बराबर क्या ले सकता हूँ कर्ण स्क्वायर ले सकता हूँ, तो इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा कर्ण स्क्वायर और बटे क्या जाएगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर क्या जाएगा कैंसिल कितना आ जाएगा ए, तथा हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है ए, यहाँ पर हम बराबर एक लिख सकते हैं, ये हो जाएगा प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड ठीक है, ये भी क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला फार्मूला क्या है, अगला फार्मूला क्या है यहाँ पर देखिए ध्यान से कि देखो अगला फार्मूला हम इसे जो पिछला फार्मूला बताया उसी फार्मूले से हम क्या करेंगे निकालेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक होता है, अब इसी से हम प्रूव करेंगे। देखिए अगर हम इसमें क्या करते हैं दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा से क्या करते हैं भाग देते हैं, क्या कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा से हम क्या कर दे रहे हैं भाग दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर दोनों पक्षों हमने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया ठीक है। अब क्या होगा देखिए यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे एक हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन अपान साइन क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था कि वन अपान साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से एक फार्मूला ये हमें प्राप्त हुआ, अर्थात हम इसको मैसे लिख सकते हैं क्या इस कॉट स्क्वायर को उस साइड भेजिए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। और देखिए अगला फार्मूला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है एक है, अब की बार क्या करेंगे हम दोनों पक्षों में किससे भाग देंगे दोनों पक्षों में क्या करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से हम भाग देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से हम भाग देते हैं, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कि टैन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसके जगह एक बराबर वन अपन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा पे ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इस सेक स्क्वायर को इस साइड लगा दिया टैन स्क्वायर को उस साइड ले जा रहे हैं, तो वन इक्वल क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहां से एक फार्मूला हमें ये प्राप्त हो गया ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां पर वन इक्वल ये आपको देखा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या था एक कोष्टक में a प्लस भी होता है एक कोष्टक में a माइनस भी होता है, ये फार्मूला आपको पता होगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कैसा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टाइप जाए ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको लिख देंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं sec थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं
टैन थीटा एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सेक थीटा, और प्लस टैन थीटा का होगा दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, उसी प्रकार हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। भाई देखिए ये भी फार्मूला वही लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। क्या होगा कि यहाँ पर भी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर सॉरी कॉसेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा लिख देते हैं कॉसेक थीटा और माइनस क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, बराबर क्या लिख सकते हैं हम एक लिख सकते हैं। इस टाइप से हम क्या करते हैं इस फार्मूले को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हम तीनों फार्मूले के क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। चलिए उसका प्रूफ देख लेते हैं। पहला क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था एक था। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बराबर क्या था लंब बटे कर्ण। इसके आप क्या लिख सकते हैं हम लंब बटे कर्ण, इसका स्क्वायर इसको भी क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। प्लस कॉस थीटा बराबर क्या था आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या लिखते हैं कर्ण, इसका भी क्या करते हैं स्क्वायर है, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, बराबर क्या है एक है। तो आपको बताया कि यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बटे क्या लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे क्या लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर एक है। मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपको पता है जब इसका हर समानांतर अंश क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एक। तो यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या आता है कर्ण स्क्वायर। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कर्ण स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर एक। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, एक बराबर किसके हो जाएगा एक के। ठीक है, ये पहला फार्मूला क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या है देखिए, दूसरा क्या था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर लिख देंगे माइनस। देखो टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे क्या लिख देंगे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे बराबर क्या है एक है। हम इसको लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा आधार स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आधार का स्क्वायर बराबर एक। तो यहाँ पर देखिए इसका हर समान अंश क्या आ जाएगा जुड़ जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर एक। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर जगह क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखिएगा हमें किसका मान निकालना है आधार स्क्वायर। देखिए आधार स्क्वायर ना इसको हम लंब स्क्वायर को इस साइड भेजिए कर्ण स्क्वायर माइनस क्या जाएगा लंब स्क्वायर बराबर क्या जाएगा आधार स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं आधार स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि आधार स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा आधार स्क्वायर बराबर एक। आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर क्या जाएगा कैंसिल बचेगा कितना एक, एक बराबर एक। ये भी क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला फार्मूला क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक होता है। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। आपको बताइए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण बटे क्या लिखते हैं हम लंब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है क्या लिखते हैं आधार बटे लंब, इसको भी स्क्वायर करते हैं बराबर क्या हो जाएगा एक। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर एक। फिर पाइथागोरस प्रमेय का हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। तो पहले भी देखिए यहाँ पर क्या है इसका हर समानांतर अंश क्या आ जाएगा जुड़ जाएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर एक हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय का हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें देखिए हमें क्या करना है कि आधार स्क्वायर को इस साइड भेज दीजिए आधार स्क्वायर सॉरी कर्ण स्क्वायर माइनस क्या जाएगा आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं लंब स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर क्या जाएगा कैंसिल एक बराबर किसके हो गया।
ठीक है, ये तीनों फार्मूले प्रूव हो गए।